विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद हर नुक्कड़ सभा चौराहों पर सिर्फ राजनीतिक बातें हो रही हैं। आज हम सदर विधानसभा के निजामपुर गांव में हैं, जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और जनता क्या चाहती है इस बार। जी दादा, इस बार क्या भाजपा बहुत दावे कर रही है कि हमने अरे जानवर सब खेत खाए नहीं रहे, रात रात जग रहे सब लोग। तो क्या क्या आपका रुझान है, किस तरफ आप इसको चाहते हैं? अनिल वर्मा को वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है? अभी भी अनिल वर्मा को देंगे वोट। भाजपा सरकार दावे कर रही है कि हमने किसान सम्मान निधि दी है, हमने जो है रोडें बनवा दी है, हमने राशन दिया आपको फ्री है, तो क्यों आप भाजपा को छोड़कर आई परेशान करें तो गाय से आप परेशान हैं? गौशालाएं तो बनवा दी है भाजपा। आइए चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपका रुझान है, किस पार्टी की इस बार सरकार बनाना चाहते हैं? समाजवादी सरकार बनना चाहिए। क्या है समाजवादी सरकार? भाजपा तो दावे कर रही है कि हमने राशन दिया, किसान सम्मान निधि दी, लोगों को शौचालय दिए, आवास दिए, रोडे बनवाई, तो क्यों आप भाजपा को छोड़कर? आएगा भाजपा में ठेकेदार लोग हैं, गांव परेशान कर रहे हैं ज्यादा भाई के मारे। इनका कहना है कि ठेकेदार लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। आइए आज एक नवयुवक है, इनसे जानते हैं क्या आपका रुझान है और किसे वोट देना है। अनिल वर्मा को वोट दूंगा। एक मैं रात भर जगता हूँ, गाय बजाता हूँ, और मैं क्या करूँ? अच्छा, खाली अन्ना मवेशियों के लिए सरकार ने गौशालाएं बनवा दी हैं। गौशाले में गाय करने जाओ तो 500 रुपये मांगते हैं, ठीक है? गाय जब करने जाओ 500 मांगते हैं, दे दो, उसकी बाद में दिन में बंद कर लेते हैं, रात में छोड़ देते हैं। सरकार किसान सम्मान निधि आप लोगों को दे रही है, 4 महीने में 2000 रुपये मिल रहे हैं, साल में 6000 रुपये मिल रहे हैं, 6000 राशन मिल रहा है, शौचालय दिए जा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या आपको लग रहा है कि जो वो 5 किलो राशन दे रहा है, मेरा 50 बीघा में हो, 2 बीघा में 20 क्विंटल होता है, वो खा लेता है। जब 20 क्विंटल वो खा लेगा, 5 किलो में ज़िंदगी पार हो जाएगी क्या? आप किसान हैं, आप परेशान हैं गाय? हम बहुत परेशान हैं गायों से। तो किसकी सरकार बनाना चाहिए? अनिल वर्मा की बनाएंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, बस अनिल वर्मा भी। आइए आइए जानते हैं इनसे, एक हमारे साथ नवयुवक साथी हैं, क्या आपका रुझान है, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सपा? देखिए, मैंने पहली बार दिया था भाजपा को, अब की बार नहीं दूंगा, अब की बार अनिल वर्मा को दूंगा। क्या कारण है, क्यों नहीं देंगे? भाजपा ने इतना काम किया है, बहुत दावे कर रहे हैं, मोदी सरकार, योगी सरकार दावे कर रही है, नहीं मिला है हमको, दावे कर रही है बड़े बड़े कि 300 से अधिक सीटें इस बार हमें चाहिए। यहाँ कुछ मिलो ही नहीं इनका, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बड़े आदमी नहीं बचे, तो आओ सब आई जाते, उन्हें पकौड़ी चाट होने सब उड़ जाती, यहाँ कुछ नहीं, गरीबन का मिल कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ थी निजामपुर, सदर विधानसभा के निजामपुर की पब्लिक, जो चाहती है कि अनिल वर्मा इस बार विधायक बने। हालांकि नरेश अग्रवाल का मजबूत गढ़ माना जाता है सदर विधानसभा, और नितिन अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं और इस बार भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हरदोई से उबैद खान। उनका कार्य करते हैं और जनता को, जनता से बात तक नहीं पूछते हैं, और अनिल वर्मा हमारे क्षेत्र के हैं, इन्होंने पहले जब विधायक थे बहुत सा कार्य किया, और हमारे यहाँ सड़के और नाले बनवाए हैं, इसको कॉलेज भी कॉलेज खुलवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं। भाजपा सरकार भी दावे कर रही है कि हमने राशन आपको फ्री दिया है, हमने 80 करोड़ देशवासियों को हमने फ्री राशन दिया है, शौचालय दिए हैं लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, आवारा पशुओं से बचाने के लिए गौशाला बनवाए हैं। अब 5 किलो राशन से क्या होता है, हमारे 50 क्विंटल गेहूँ गाय खा जा रही हैं, तो हम रात रात भर खेत बचाते हैं, तो राशन से हमारा क्या कल्याण होगा? आइए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए जी, आपका क्या रुख है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? जब से सरकार बागडोर बनी झूठे केस लग रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ कुछ करो नहीं, किसी घर में घुस के डकैती लग रही, कहीं कुछ लग रहा है, ये सब विधायक ही जो है तो होता है, और गांव के प्रधान लोग थोड़ी करते हैं। योगी सरकार कह रहे हैं कि हमने गुंडे ही खत्म कर दी है। गुंडे ही नहीं खत्म हुई, हम पे झूठा केस लगा है, हम परेशान हैं, जमानत कराते करते फिर जमानत कराना झूठी बता। भाजपा सरकार दावे कर रही है कि गुंडे ही खत्म हो गई है हमारी सरकार में, हमने किसानों को सम्मान निधि दी है, और हमने जो शौचालय दिए हैं, फ्री राशन दिया है,
हमने इतने जो भी वादे किए वो सब वादे पूरे किए हैं। शुरू जब से सरकार बनी तब से पूर्व बहुमत भाजपा में जुड़े, हमें कुछ नहीं मिलो, न राशन मिल रहा, कुछ नहीं मिलती। तो इस बार आपका क्या रुख है? अब अनिल वर्मा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें? नितिन अग्रवाल कुछ कर ही नहीं रहे, कर भी रहे ठेकेदार लोग। नरेश अग्रवाल का 40 साल से अधिक समय से सदर सीट पर कब्जा है, उनके बेटे भी 3 बार जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। उखाड़ी पब्लिक ने ठेंक दी, यहाँ कुछ करो ही ना, सब चाट गया गाँव में, यहाँ कहा रखो कुछ, देखो चले हमारे यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत है, कोई ना पानी की सुविधा ना कुछ, नल जो बगैर बनवाओ। निजामपुर गांव उनका गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है निजामपुर, माने पे भाई नाजिम कहाँ थे, पूरे क्षेत्र देखा था, सब खाई गई है, कहा रखो, हमका परोसे मिल के रहा थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कतई उखाड़ी जाए जाते हुए, हमें इन लोगों ने बनवाई जा सरकार, बाजी बड़ा मदद करी, कुछ मिलता ही ना। ऐसा क्या है इस सरकार से आप? सरकार में यहाँ कुछ नाराज है आप इस सरकार? सरकार हम नाराज तो है, हम कहा बता मुझे, ठेकेदार लोग ना कुछ खत्म कर दी, गुंडाई बढ़ाई दे, बुलडोजर चलाने का काम। अरे भाई अब है मरवा जो लड़का हमारे गाँव करो, इस पर झूठा लगवाई दो, कह दो दुखिया बच्ची को मर जा, तो प्रधान हमारे नए भी हम लोगों ने जीता है, युवन पब्लिक सबने मर के जीता है, यहाँ जबरदस्ती यहाँ पहुँचा। क्या आपका मन, क्या मन बना चुके हैं? हम बना चुके हैं, सपन वोट दी अपनी नितिन बनाई, भाजपा दावा कर रही 300 पार इस बार। अरे कुछ सुनाई करो, हमें पैसा आते हैं बैंक वाले, कोई ना दे तुम्हारे खाते में नहीं आती, क्या करो? पहले तो मिल रहा है हमको, ना आवाज मिले ना कुछ नहीं मिले, शादी के 7 साल हो गए। तो आपने आपने किसी के पास गए नहीं होंगे, अधिकारी नहीं, के पास किसी प्रधान से नहीं कहा होगा, क्योंकि शौचालय आवास कुछ नहीं, किसान सम्मान ने दे, ये वहाँ से आते हैं, यहाँ लोग कहते हैं उनको, उनके पास पक्का मकान बना है सब कुछ, वो यहाँ नहीं देने देते हैं लोग। अच्छा, आप भाजपा सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? नहीं, अब की बार नहीं लग रहे, अब की बार। ठीक है, एक हमारे साथ एक नवयुवक है, इनसे जानते हैं क्या आपका रुझान है और किसकी सरकार चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी की सरकार चाहता हूँ, और जो भाजपा सरकार में हुआ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, हमारा आम आदमी संतुष्ट रहे, क्योंकि हमारा जो नए युवा है उन्हें अभी कोई ऐसा उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली जो हमारे लोगों को रोजगार मिले, और जो उन्होंने निकाली है वो भी पेपर लीक कर दे। योगी सरकार वादा कर रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को हमने नौकरियां दी हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम शौचालय बनवा रहे हैं, हम जो है आपको राशन फ्री दे रहे हैं, फिर इसका क्या कारण है आप सपा सरकार? किसान सम्मान निधि से 2000 रुपये किसी का खर्चा चल जाएगा, 5 किलो राशन देते हैं, हमारा 50 रुपया गेहूँ खा जाएगा, साल में 100 क्विंटल गेहूँ है, बहुत पूरा हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या आपकी मन क्या बना लिया है? गैया घूम रहे हैं, इनको व्यवस्था की जाए, गौशालाएं बनवा दी जाए, गौशालाएं बनी, व्यवस्था नहीं है। तो किसकी सरकार इस बार चाहते हैं? हम समाजवादी पार्टी सरकार चाहते हैं। आइए जानते हैं, एक नवयुवक है, इनसे भी जानते हैं क्या आपकी राय है और क्या किसकी सरकार चाहते हैं? सर, समाजवादी सरकार चाहता हूँ। क्योंकि समाजवादी सरकार में क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी सरकार चाहते हैं? क्योंकि भाजपा बहुत दावे कर रही है, कह रहे कि हमने राशन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमने शौचालय दिया है, आवास दिया है। समाजवादी में सर इतना काम हुआ है, इतना किसी पार्टी ने काम नहीं किया है, क्योंकि समाजवादी सरकार ने एम्बुलेंस चलवाई है, गरीबों के लिए बहुत बड़ी सुविधा की है समाजवादी सरकार ने। भाजपा बहुत दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, गौशाला बनवाए हैं हमने गायों और आवारा पशुओं के लिए, और जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन है सब हमने बढ़ा कर दे रहे हैं। सभी भाजपा सब दिन झूठे वादे करती रही है, आज तक भाजपा ने कुछ नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं इस बार? हम इस बार बदलाव चाहते हैं सर, सपा सरकार को लाना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं चाचा से, क्या आपका रुख है, क्या आप चाहते हैं इस बार? हम इस बार बदलाव चाहते हैं और समाजवादी की सरकार आए। अनिल वर्मा में क्या ऐसा है? अनिल वर्मा 2 बार विधायक रहे, लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, और अग्रवाल परिवार का ये मजबूत गढ़ माना जाता है सदर क्षेत्र, तो आप ऐसा अनिल वर्मा को क्यों वोट देना चाहते हैं? अग्रवाल तो अपने ठेकेदारों को देखते हैं, उन्हीं का कार्य करते